मोहल्ला का ये गनीमत है कि यहाँ तो कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है, कभी कोनो घटना यहाँ घट सकता है। पियक्कर सब घूमते फिरते रहता है, न पुलिस प्रशासन का कोई इस पर ध्यान है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे यहाँ। मान के चलिए तो आभूषण पहनना लेडीज लोगों के लिए तो दुर्भाग्य हो गया। उत्तर से दो आदमी आया, बाइक से गला से झपट कर खींच लिया थे। हाँ इधर तो होते रहता है, दो दिन चार दिन में घूमने के लिए डेली जाते थे पार्क से घूरे ना, तो वहाँ आए बदमाश और पीछे से झपटा मार के चैन छीन लिया। 22 ग्राम के चैन था, मेरी सहेली थी बगल के पड़ोसी। पूर्णिया शहर में चैन स्नेचिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चैन स्नेचिंग की घटना सामने आ रही है। ताजा घटना पूर्णिया शहर के केहार थाना क्षेत्र के महाराजी हाता जनता चौक की है, जहां शनिवार की सुबह बाइक सवार साथी रुचकों ने सुधीर यादव की पत्नी ललिता देवी के गले से सोने की चैन झपट्टा मारकर छीन ली और तेज रफ्तार से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने इसकी लिखित शिकायत केहार थाना में की है। ललिता देवी ने बताया कि वह अपने पड़ोसी महिला के साथ शनिवार की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक करने के लिए घर के समीप स्थित ध्रुव उद्यान पार्क गई थी। मॉर्निंग वॉक से लौटने के क्रम में उनके ही घर के समीप सुबह करीब 7:15 बजे पहले से घात लगाए बाइक सवार दो युवक गले से सोने का चैन झपट्टा मारकर छीन लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला कुछ दूर तक बाइक सवार के पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक वह फरार हो गया। उन्होंने बताया कि दो भर सोने का चैन था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक थी। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से बाइक सवार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घर से गए घूमने के लिए पार्क, ध्रुव उद्यान पार्क, घर से घूम रहे थे, घर आ रहे थे 7:15 बजे। घर से 100 मीटर के दूरी मुकेश पोदार घर के आगे, उधर उत्तर से दो आदमी आया बाइक से गला से झपट कर खींच लिया चैन। क्या उसको पहचान रहे थे? नहीं पहचान रहे थे। कितने आदमी से थे आप लोग? 3 आदमी से उस जगह। कितना का था वो सोना? 22 ग्राम का सोना का चैन। हाँ सोना का चैन। किधर भागा था वो? सेंट पीटर स्कूल के तरफ, दक्षिण तरफ, सेंट पीटर स्कूल के तरफ। कौन सा गाड़ी था ऐसा कुछ नहीं पहचान पाए गाड़ी सब। तो क्या इधर मतलब इसमें कर सोना झपट्टा मार सब ज्यादा है? हाँ इधर तो होते रहता है, दो दिन चार दिन में लड़ाई पीटी सब होते रहता है। पुलिस आई थी? पुलिस को सूचना दी है? हाँ पुलिस आए थे। सीसीटीवी फुटेज का भी बात आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज भी आया है क्या? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। कौन सा जगह है वो? महाराजी हता जनता चौक थाना के। पार्क जा रहे थे घूमने के लिए, डेली जाते थे पार्क से घूरे ना, तो वहाँ आए मुकेश पोदार के घर के पास। हम लोग आ रहे थे बगल से, उत्तर साइड से आया दो, एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश और पीछे से झपटा मार के चैन छीन लिया। 22 ग्राम के चैन था, मेरी सहेली थी बगल के पड़ोसी, हम लोग दोनों साथे थे। भाग गया उत्तर अथी दक्षिण बगल भागा सेंट पीटर स्कूल की तरफ। हम लोग दौड़ते दौड़ते भी गए लेकिन भाग गया। क्या पहचान नहीं पा रहे थे? पहचान नहीं पाए, न गाड़ी पहचान पाए, न आदमी को पहचाने। क्या लगता पहले से वो लोग प्लानिंग किया हुआ था? पहले से लगता है प्लानिंग किया था। वो लोग किधर से निकला था? उधर दक्षिण तरफ से आया, उत्तर तरफ से ना, मेरे मोहल्ला की तरफ उत्तर बगल से आया, दक्षिण तरफ सेंट पीटर की तरफ भाग गया। हम लोग दौड़ दौड़ के गेबो किए लेकिन आगे भाग गया। हम लोग पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करते हैं आप लोग ध्यान दीजिए जो मेरा चीज वापस हो जाए, और इतना धांधली को आप लोग ये कीजिए, बंद कीजिए। और ये पार्क जो है, पार्क के बगल में भी इसमें कर सबका हाँ सीसीटीवी कैमरा पार्क में लगल है।
हाँ, नशा करता है, सब हल्ला गुल्ला करता है, मारपीट भी होता है, बहुत बदमाशी करता है यहाँ। क्या नाम है? मीरा देवी। घटना घटा है ना, मैं सुधीर प्रसाद यादव, अपना वाइफ जो है 6 बजे डेली बराबर जो है ध्रुव उद्यान जाती है घूमने के लिए, और वहाँ से आने के क्रम में 7:15 के लगभग में जो है ये अशोक मुकेश पद्दार घर के आगे से उसका गला का चैन जो है झपट्टा मारछीन के भाग गया। वो लोग उत्तर साइड से आया, दक्षिण सीधा जो है सेंट पीटर स्कूल के तरफ भाग गया। हम इस जगह थे नहीं, बाद में हमको फ़ोन किया गया, उसी समय एक लड़का फ़ोन किया, हम वहाँ से दौड़ के आए, देखते हैं सब पता ऐसे ऐसे। उसके बाद हम फिर के हाथ फ़ोन किए, वहाँ से आया, इधर उधर जो भी हुआ देखा। लेकिन ये तो महल्ला का ये गनीमत है कि यहाँ तो कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है, कभी कोनो घटना यहाँ घट सकता है। पियक्कर सब घूमते फिरते रहता है, न पुलिस प्रशासन का कोई इस पर ध्यान है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे यहाँ। मान के चलिए तो आभूषण पहनना लेडीज लोगों के लिए तो दुर्भाग्य हो गया।